शिवपुरी जिले के सतनबाड़ा थाना क्षेत्र के सूबत घाटी के आधे मोड़ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी पट्टी पर जाकर पलट गया। इस घटना में ट्रक पर लदे बड़े बड़े रोल पर एक स्कूल बस और एक ट्रक से टकरा गए हैं। इस हादसे में स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं ट्रक का स्टाफ इस हादसे में घायल हुआ है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सतनबाड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह गीता पब्लिक स्कूल की बस सतनबाड़ा क्षेत्र से स्कूली बच्चों को बैठाकर स्कूल के लिए वापस लौट रही थी। बस सुबह 7:30 बजे के लगभग सूबत घाटी के आधे मोड़ से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान शिवपुरी की ओर से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे के बीच डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी पट्टी पर जाकर पलट गया। बता दें आपको कि सूबत घाटी के अंधे मोड़ पर इससे पहले भी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती थी। बता दें कि इस मार्ग का नवीनीकरण किया गया और बेहतर मार्ग पर दौड़ने तेज वाहन एकाएक सूबत घाटी के अंधे मोड़ पर आकर अनियंत्रित होकर पलट जाते हैं। इस मार्ग पर हाल ही में कई सड़क दुर्घटना घटित हो चुकी हैं। कुछ ही दिन पहले आलू और प्याज से भरे ट्रक इस अंधे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट चुके हैं। इस मार्ग पर बाइक सवार भी हर रोज सड़क हादसे का शिकार होते रहते हैं। वहीं बता दें आपको कि कुछ समय पहले दो शिक्षक स्कूल जाते वक्त इस मोड़ पर सड़क हादसे का शिकार भी हो गई थी और आज बच्चों से भरी स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गई। ऐसे में अगर ट्रक सीधा बस से टकराता तो बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था।